हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जो रेसिपीज़। आज मैं एक रवा इडली बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, प्याज और शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है मैंने, स्वाद के अनुसार नमक, 2 चुटकी बेकिंग सोडा और 2 कप मट्ठा। मैं इसे मट्ठे से बना रही हूँ। तो हम सबसे पहले सूजी में अपना 2 कप मट्ठा जो है वो अच्छे से मिला लेंगे ताकि सूजी सारा जो छाछ है उसको सोक कर ले। इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सूजी जो है अच्छे से सोक कर ले पूरा मट्ठा, और 10 मिनट के लिए रख देंगे। और 10 मिनट के बाद ये बैटर कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें बाकी इंग्रेडिएंट डालने से पहले हमें इसको अच्छे से और एक बार मिक्स देना होगा ताकि सब्जियां और बैटर जो है वो अच्छे से मिल जाए। तो अब मैं इसमें सब्ज़ी डाल रही हूँ। आप कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, गाजर है, मटर है, अपनी पसंद की वो आप इसमें डाल सकते हैं। सब्ज़ी डालने से ये इडली हेल्दी हो जाती है। बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है उन्हें इडली के साथ सब्ज़ी खिलाने का। अब हम इसमें नमक और बेकिंग सोडा भी अपना डाल देंगे और तुरंत से इसको अच्छे से मिक्स देंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद इस बैटर को ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए। मैंने जो मोल्ड्स हैं अपने वो अच्छे से ग्रीस कर लिए हैं ऑयल से, तो अब मैं इन मोल्ड्स में इस बैटर को पोर कर दूंगी। और साथ ही साथ मैंने गैस पे कुकर रख दिया है क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैं कुकर में इन रैक्स को रख के अपनी इडली स्टीम करूँगी। हमारी इडली बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगी। तो ये मैं पोर कर रही हूँ। इसी तरह हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ अपना जो रैक है उसको फिल कर लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। दूसरी तरफ गैस पर हमारा स्टीमर भी रेडी है। तो अब उस स्टीमर में मैं अपनी इडलीस को रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। आँच ना तो मीडियम कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा, आँच जो है वो मीडियम होनी चाहिए। और 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इस इडली को स्टीम होने में। हमें कुकर की जो रबर होती है, उसके ढक्कन की जो रबर है वो नहीं लगानी है। अगर आप चाहें तो विसल भी निकाल सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें स्टीम करना है इसे, कुकर में सीटी नहीं लगवानी है। तो 15 मिनट में ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं अपनी चटनी की भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने आधा कटोरी मूंगफली जो है उसको दूसरी तरफ गैस पे रोस्ट करने के लिए रख दिया है ताकि मूंगफली का कच्चापन निकल जाए। तो जब हम चटनी बनाएंगे तो हमें बहुत ही क्रीमी और स्मूथ चटनी खाने को मिलेगी। मैं नारियल और मूंगफली को मिक्स करके चटनी बना रही हूँ। तो हम गैस बंद कर देंगे 15 मिनट के बाद और इनको खोल के चेक करेंगे। देखिए, हमारी इडली ऑलमोस्ट डन है। इसको निकालने से पहले हमें इसको ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो इडली जो है वो टूट जाएगी और अच्छे से निकलेगी नहीं। तो चटनी बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं। फ्रेश कोकोनट लिया है और आधा कप जो है वो मूंगफली ली है मैंने। अब इस मूंगफली का और नारियल का हमें पेस्ट बनाना है, तो मैं मिक्सी के जार में इन चीज़ों को डाल रही हूँ और 150 ml के करीब मैंने पानी डाला है। पानी की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए उस कंसिस्टेंसी में आप चटनी बना सकते हैं। तो इसको मिक्सी में पीस के पेस्ट बना लेंगे। मैंने नमक जो है वो साथ में ही डाल दिया है। इसको पीसते के समय ही मैंने नमक का यूज़ कर लिया है क्योंकि इडली में भी नमक है, तो नमक की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। तो ये हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। अब हम इसमें छोंक लगाएंगे। तो एक पैन में मैंने 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है, उसमें मैं 1/2 चम्मच राई डाल रही हूँ और करी लीव्स डाल रही हूँ। पकाने के बाद हम अपने बैटर को इसमें पोर कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक मैं ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुकी हूँ। तो हमारी चटनी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इस चटनी को सर्व करेंगे। बहुत ही हेल्दी और इंस्टेंट डिश हमारी बनके तैयार है। सो गाइज, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। सो हम दोबारा मिलेंगे अनदर